सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसजी बॉय टैक में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की दोस्त एसजी बॉय। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक अच्छी सी ट्रिक्स लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स ये है कि फ्रेंड्स, आप लोग इस ट्रिक्स के बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग जो कि जानते नहीं हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा इस टॉपिक में कुछ वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ डाउट सा क्लियर हो जाए। बट बहुत सारा ऐसा जो कि यू व्हाट्सअप व्यूअर्स लोग कंफ्यूज रहता है ये चीज़ में हमेशा, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा व्हाट्सअप पे हम लोग जब चैट करते हैं, ठीक है, किसी अनकनो पर्सन या किसी फ्रेंड से, तो वो लोग क्या करता है कि मतलब कोई भी वीडियोस या फोटोज़ या कोई भी लिंक जो भी हमारे व्हाट्सएप मैसेंजर पे सेंड करता है। जैसे कि ये मेरा एक व्हाट्सएप में मतलब मैसेंजर में एक मुझे ये सेंड किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा ये जो भी फाइल है मेरा फाइल पे जाकर डायरेक्टली उस पे जाकर लोड हो जाए या उस पे भर जाए मेरा स्टोरेज, ठीक है। इससे मेरा बहुत ही दिक्कत होता है, मेरा इससे क्या होता है कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या और भी कुछ आप जैसे रखे हैं अपना फाइल्स में, तो आपका फैमिलीज में या कोई आपका फ्रेंड्स या जो भी आपका क्या होता है कि उसको देख लेता है या कुछ भी मतलब आपको डिलीट कर देता है। इससे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, जिसका कोई काम ही नहीं होता है, वो बेकार या फालतू में आपका वो स्टोरेज को और भी क्या करता है कि भर देता है पूरा तरीके से, ठीक है। और उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं एक फ़ायदा वाला ही ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको कोई ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसी में ही ये ट्रिक्स दिया गया है व्हाट्सएप पे। तो आप सिर्फ वीडियो पे बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज़ साथ में दबाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ कि वो ट्रिक्स क्या है, कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मान लीजिए आपको कोई भी फ्रेंड से आप चैट कर रहे हैं, वो आपको मैसेज पे मैसेज दिए जा रहा है, जो मन में आया वो दे दिया अनसेंड, तो आप तो उसको माना बारन मतलब उसको तो ये नहीं कर सकते ना आप, मतलब उसको बोल देंगे बट फिर भी वो अगेन पैगेन डाली जा रहा है। तो आपको उस टाइम क्या करना है, सिंपली इसका नंबर पे उसका नंबर पे या उसका नाम अगर सेव होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नाम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक आपको आइकॉन देखने को मिल रहा है मीडिया विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। मीडिया विजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको नो कर देना है। सिंपली नो करके और आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद फ्रेंड्स फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए नो है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब अगली बार क्या होगा कि आपका वो जो भी कोई भी अनवांटेड जो भी मैसेज अगर आपको देता है आपका व्हाट्सएप पे, तो आपका वो फाइल पे कभी ज़िंदगी में लोड नहीं होगा, कभी आपको फाइल पे कभी भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यही आज का मेरी वीडियो था। तो प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।